रामचंद्र की, लखन सिया रामचंद्र की। आधा जन जय बुलाता, आधा जन और पेट भर खाना खा पीछे, कोई बात नहीं, भूल तो सबसे होते हैं। और एक कवि बहुत अच्छा शब्द कही कि पहली गलती करें उसे भूल कहते हैं, दूसरी गलती करें उसे चूक कहते हैं, तीसरी गलती करें उसे शैतान कहते हैं, चौथी गलती करें उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो इन गलतियों को क्षमा कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। आइए थोड़ी सी प्रसंग पर चर्चा करें। कौन सा आचरण अपने पति अनुकूल प्रेम गृहा हरिपद कमल बिनी। माता कौशल्या के कई सुमित्रा पति के प्रति प्रेम था, पति अनुकूल प्रेम, पति और पत्नी के बीच के प्रेम ला आज समाज के बीच में लाना चाहा। पति और पत्नी के बीच में कैसे प्रेम रही, कैसे स्नेह रही, कैसे लगाव रही, कैसे झुकाव रही, ये ला हमर समाज में लाना चाहा। पति और पत्नी के बीच में प्रेम ला हमर समाज में लाना चाहा। लेकिन आज हम वर्तमान में देखन और वैसे भी बात में बात निकल जाती तो बताएल पड़ते बात ला, और बताए बिना बने नहीं बने बने बात ला। एक जन पटवारी अपन पटवारी से अपन प्रेम करे, और पटवारी है तो पटवारी से प्रेम करे, लेकिन उकर मन की विशेषता का रहा है, पटवारी है तो अपन पत्नी देख है, और पत्नी तो पति देख है, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि पति तो पति देख के हंसा, पति तो पत्नी देख के हंसा, और पत्नी तो पति देख के हंसा। एक जन डोगरी दाई कर घर में गीस, और डोगरी दाई तो पूछते कज बेटा मैं रोज शाम के जाता हूँ, और तुम एक दूसरे ल देखो अतिक प्रेम अतिक लगाओ अतिक प्रेम की तुम एक दूसरे ल देख के हंसो, ते अपन पत्नी देख के हंसता तो पत्नी तो तोला देख के हंसते, अतिक प्रेम अतिक पति पत्नी अतिक प्रेम अतिक लगाओ। तो पटवारी है तो वो डोगरी दाई कुर्सी में बैठारी, और कुर्सी में बैठार के वो लकीही दाई हमन काबर हंसथन, हमन काबर मुस्कुराथन, चिंती नहीं जाना। वो डोगरी दाई कहे तो भी चला जाने का रहा हूं बेटा, भाई तुम्हारे मन में अतिक प्रेम जो एक दूसरे देख के हंसता हो। वो पटवारी कहे दरअसल बात ये है दाई, वो मोर पत्नी है, वो किचन रूम में जो है ना वो मोर पत्नी है, और जब रोटी बनात रहते ना, रोटी बनात रहते तो अचानक रोटी तो जर जाते, और जब जर जाते ना तो वो मोला बेलनम फेंक के मारते, कभी बोला तावा फेंक के मारते, कभी बोला चिमटा फेंक के मारते, और जब पड़ जाते तो वो हंसते, और नहीं पड़े तो नहीं हंसते। राजा दशरथ के घर में भगवान आना पड़ गए, और आज 31 पीढ़ी के बाद भगवान राम है तो आज अयोध्या में जन्म लेके आए, 31 पीढ़ी के बाद भगवान ने जन्म लेना पड़े। ब्रह्म ब्रह्म बेटा मरीज, मरीज के बेटा सूर्यनारायण, सूर्यनारायण के बेटा सत्यव्रत, सत्यव्रत के बेटा प्रियव्रत, प्रियव्रत के बेटा प्रतापी, प्रतापी के बेटा बिंदु सागर, बिंदु सागर के बेटा भरत, भरत के बेटा खान, खान के बेटा दंड, दंड के बेटा हरिबीज, हरिबीज के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा हरिचंद, हरिचंद के बेटा रोहित, रोहित के बेटा हरि, हरि के बेटा चम, चम के बेटा बाहु, बाहु के बेटा सुखदेव, सुखदेव बेटा सगर, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के बेटा भागीरथी, भागीरथी के बेटा अंशुकुमान, अंशुकुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, रघु के बेटा अच, अच के बेटा राजा दशरथ, और राजा दशरथ के बेटा है राम लक्ष्मण भरत। 21 पीढ़ी के बाद भगवान जन्म लेके आए।
आज 21 पीढ़ी के बाद भगवान के आज जन्म हुए और राजा दशरथ है तो आज मन ही मन खुश हो गए और खुश होए के बाद कैसे मगन है, कैसे उत्साह मनाते हैं। आओ एक छोटे से भजन फिर पुनः ये कथा में चर्चा करबो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की। Thank you.
श्याम रामचंद्र की जय।